नमस्कार बालकों, फेज़ एट वालों, आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों का इंतज़ार अब धीरे धीरे लग रहा है कि ख़त्म होने के कगार पे आ रहा है। वैसे अभी सिर्फ एक ही पोस्ट का ऐसा आया है, तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है। आपके इंतज़ार की घड़ी अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज के डेट में कर्नाटका केरल रीजन यानी जो KKR रीजन है, वहाँ पे अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप उनके वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए। फेज़ एट के एक पोस्ट का स्क्रूटनी का रिजल्ट KKR रीजन ने जारी कर दिया है दोस्तों। इसके बारे में अभी डिस्कस हम करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इंडियन IQ का टेलीग्राम ग्रुप हम ओपन करने जा रहे हैं, जो कि फेज़ 9 कैंडिडेट के लिए होगा। तो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट फेज़ 9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फॉर्म आए निकले नोटिफिकेशन उसके बाद तैयारी वाला पैटर्न छोड़िए। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। ऑलरेडी सारा पोस्ट आपके वेबसाइट पर डला हुआ है, आप बहुत लोग चेक भी कर चुके होंगे। तो पहले से ग्रुप में ऐड हो जाइए, उस ग्रुप में स्टडी मटेरियल, कंटेंट्स, वीडियोज़, ऐसे ऐसे चीज़ों को फॉरवर्ड किया जाएगा। बाकी फेज़ 7 और फेज़ 8 कैंडिडेट्स, यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी, जो लोग फेज़ 7 और फेज़ 8 में सेलेक्ट हुए हैं, आप लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने जूनियर्स को गाइड कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से फेज़ 9 में सिलेक्शन ले पाएँ। इसके अलावा दोस्तों, फेज़ 9 के जितने भी पोस्ट निकले हैं, उसके लिए इस चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम बताएंगे कि 10th लेवल पे फेज़ 9 में कौन कौन से पोस्ट हैं, जिन्होंने 12th किया है उनके लिए कौन कौन से पोस्ट हैं, जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं उनके लिए कौन कौन से पोस्ट हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर से किया है उनके लिए क्या पोस्ट है, जिन्होंने BTech से किया उनके लिए क्या पोस्ट है, लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए क्या है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए कौन कौन से पोस्ट एडवर्टाइज़ किए गए हैं फेज़ 9 में, ये चीज़ हम लेकर आएंगे अलग अलग वीडियो में। तो आपका जो ये सिलेक्शन पोस्ट का सफ़र है, वो काफ़ी सुहाना होने वाला है इस चैनल के साथ। तो बिना किसी देरी के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और बाकी इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, KKR रीजन की बात करें तो KKR रीजन ने एक पोस्ट का स्क्रूटनी का रिजल्ट आज के दिन यानी 20 जुलाई को डिक्लेयर किया है। ये पोस्ट है इंस्ट्रक्टर का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ कोची के लिए ये पोस्ट एडवर्टाइज़ किया गया था। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 5 स्टूडेंट जो थे, 5 कैंडिडेट जो थे, वो Tier 1 क्वालिफाई किए थे। फिर उनसे कहा गया था कि आप अपना डॉक्यूमेंट भेजिए, इसमें से आधे लोगों ने तो डॉक्यूमेंट सेंड ही नहीं किया, और आधे लोगों ने जो किया उनको फिर रिजेक्ट कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। इन्होंने एक्सपीरियंस, इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो इस तरह से रखा हुआ था कि आप देखेंगे, एक तो इतना रेयर कोर्स है भैया, फिशरीज़ में ग्रेजुएशन मांग रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, उसमें भी ये एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ऐसे में तो ये बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस वाला मैटर यहाँ पे फंस गया, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था, और इन्होंने सारे के सारे सभी बच्चों को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, और ओके लिस्ट में यानी एलिजिबल लिस्ट में किसी का भी यहाँ पर नाम नहीं है। ऐसे ही आपको फेज़ 9 में भी देखने को मिलेगा, मैं पहले से ही भविष्यवाणी कर रहा हूँ। देखिएगा, फेज़ 9 में इन्होंने एक फॉरेस्ट रेंजर का पोस्ट निकाला है, उसका क्वालिफिकेशन ऐसा रद्दी सा क्वालिफिकेशन है कि मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई, रेयरली कोई बच्चा होगा जो, जिसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होगी। तो ऐसे पोस्ट पता नहीं क्यों इस तरह से क्वालिफिकेशन रखते हैं लोग। खैर, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार कोई रिजेक्ट हो जाता है किसी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में स्क्रूटनी के समय, तो उसको एक और मौका दिया जाता है अपना रिप्रेजेंटेशन करने का। बिल्कुल वैसे ही ये जो पोस्ट का रिजल्ट यानी स्क्रूटनी का रिजल्ट डाला गया है, उसमें बच्चों को मौका दिया गया है लगभग 10 दिनों का, और बोला गया है कि 29 तारीख यानी 29 जुलाई से पहले पहले आपको अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, कि आप अगर एलिजिबल हैं तो आप हमें मेल के ज़रिए बता सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। इसमें एक चीज़ साफ़ कर दिया गया, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कि अलग से अब बाई पोस्ट आप कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते हैं, अब आपको जो है सो ईमेल करके ही जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है उस पर आपको रिप्रेजेंटेशन देना है कि आप सही हैं और कमीशन गलत है, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। वो इसके लिए 10 दिनों का टाइम दिए हैं, 29 तारीख तक अगर कोई बच्चा रिप्रेजेंटेशन डाल देता है उसको फिर एनालाइज किया जाएगा, और फिर 2 अगस्त को इसका फाइनल रिजेक्शन लिस्ट प्लस ओके लिस्ट जो भी होगा उसको अपलोड किया जाएगा रीजनल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, इसके साथ ही फेज़ 8 का स्क्रूटनी का प्रोसेस शुरू हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि NR रीजन ने भी स्क्रूटनी के बारे में जो बताया था अपने RTI में, वो भी मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। तो धीरे धीरे जो है सो जिस भी रीजन में, जहाँ भी मतलब कोई ऐसा पोस्ट होगा जिसमें कम वैकेंसीज होंगे या कम बच्चे होंगे, वहाँ से स्टार्ट करते करते ये लोग
धीरे धीरे एक एक करके सारे पोस्ट का निकालेंगे। अच्छा, स्क्रूटनी का रिजल्ट दोस्तों एक बार आने लग जाता है ना, तो ये लगभग हर एक दो दिन के इंटरवल पे आते ही रहता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। फेज 7 के फाइनल रिजल्ट की तरह नहीं होगा कि 15 दिन एक महीने लग गए तब जाके दूसरा आ रहा है, ऐसा नहीं है। स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वो एक एक दिन के इंटरवल पे, दो दो दिन के इंटरवल पे आता रहता है, बशर्ते कि चीज़ें टाइम से कंप्लीट होती रहे तब की बात है। इसमें तो कई रीजन ऐसे भी होते हैं, जैसे WR रीजन का फेज 7 में रात के 12-12 बजे उनका जो भी स्क्रूटनी का मतलब लिस्ट आता था वो रात के 11:30, 12:30, 12:30 ऐसे आता था। तो स्क्रूटनी टाइम टू टाइम ये देते हैं, एक बार बस शुरू हो जाए फिर आपको मिलता रहेगा। बाकी इस चैनल पे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते ही रहेंगे। आपके पास अब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको जो भी डाउट हो, जो भी डाउट होगा आपका, वो सारा इस चैनल पे क्लियर किया जाएगा। बने रहिए इस चैनल पे, इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।